चलो भैया, टू कोल्ड मैन ट्रैवल करना मुश्किल है बालकनी। छोटा सा बालक हूँ मैं। बगे बिहारी लाल, अरे मेरी लाला को ठंड लग गई। हाथी घोड़ा पालकी की निधिवन में ना बाल गोपाल कृष्ण जी की ना लीलाएं दिखाई देती हैं। तो हम लोग पहुँच गए निधिवन। जो रास लीला को यहाँ दुबक छुपक करके सुनता है पागल हो जाता है, गूंगा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। देखो घर तो बनाना पड़ेगा भाई। हमारे माँ बाप भी ऐसे समझाते थे, पागल है जो समझा रहे हैं। बाबू का नाम करूंगा। कैसे आप सब, वो करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, रात के 12 बजे हम लोग आ चुके हैं वापस होटल रूम में और सारी प्रिपरेशन अभी से करके रख रहे थे क्योंकि सुबह उठना में 5:30 बजे हम जाएंगे निधिवन और आप लोगों को करवाएंगे वहाँ के दर्शन। तो कल का ट्रिप हमारा यहाँ का लास्ट ट्रिप है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधा अपने घर पे क्योंकि घर पे बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं और हमारा भी दिल नहीं लग रहा है। हमारे 2 बच्चे घर पे हैं, 2 साथ में। देखो कमी तो कमी होती है, हमारे 2 बच्चों की कमी है यहाँ पे, हमारे पतिदेव की कमी है, पतिदेव हमारे घर पे हैं। तो बस अभी फटाफट सारा सामान सेट कर देती हूँ, उसके बाद जो है अयान के लिए एक तरफ चाय बना रही हूँ, उसको चाय ब्रेड खिलाएंगे। तो हम लोग चाय बना रहे हैं, आपको पता है हम कहाँ बनाते हैं, पर वहाँ नहीं बना रहे, हम लोग बना रहे हैं आज चाय हमारे रूम में। तो यहाँ पे हमने गैस ले आए हैं, गैस के साथ सारा सामान ले आए हैं। अयानों को हम खिलाएंगे ब्रेड चाय, तो शौक से खाई थी। तो यहाँ पे यानो हो चुका है रेडी भाई, ये है इसकी नाइट ड्रेस, इसके नस्की भी पहनी है इसने, वार्मर पहना है, पर इसके आते कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम लोग भी बाहर होते हैं ना, बाहर के कपड़े ना बाहर के ही होते हैं, फिर ना घर पे आके कपड़े चेंज करते हैं ना तो जाके रेस्ट मिलता है। तो गाइस हमारे एक बैग में ना सारे हमने गंदे कपड़े डाले, इधर की तरफ बैठ ताकि ना वहाँ घर जाके ना कंफ्यूज हो ना हो कौन से कपड़े गंदे हैं कौन से अच्छे हैं। और इस बार हमने ना सारे कपड़े इस्तेमाल करे, जितने लेके आए थे ना बट हटियो, कपड़े उतने लाए थे कि जितने हमें पहनने हैं, सिर्फ चीकू के और अयानो के ज्यादा लाए थे क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे कपड़े ज्यादा गंदे करते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो चाय है वो उबल चुकी थी, तो अभी डाल रही हूँ इसके अंदर दूध। चाय बने और कोई ना पी ऐसा हो नहीं सकता, तो पूरे आधा किलो की थाली डालती हूँ और आधा किलो की थाली रखी हुई है क्योंकि चीकू को घर पे आदत हम दोनों ने डाली हुई है कि दूध पी के सोते हैं। तो बाहर ट्रिप पे आते हैं ना तो थोड़ा सा दूध उसका आगे पीछे हो जाता है, पर दूध ना हर बच्चे को पीना चाहिए, कैल्शियम की कमी पूरी होती है, इसलिए वेरी गुड। तो भाई मैं गई थी सामान सेट करने और हमने बिठाया था हमारी भवानी जी को यहाँ पे, भवानी जी ने पूरी चाय निकाल दी है, तो अब वो गई है वहाँ से टिश्यू लेने। पहले इसको खिलाएंगे फिर एक तिलीन करेंगे, तिलीन बाद में करेंगे, पहले तुमको दिलाएं दे भाई क्योंकि तुम्हारी भूख जलूली है, सफाई तो बाद में भी हो जाएगी भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हीटर लगा लो सर, आगे लगा लो हीटर, ठंडी से बचा लू। ओए होए, ओए होए, ओए होए, नीना आया क्या? मेरा कृष्ण तो नहीं आका से लगता, मेरा बेटू कृष्णा। ओ कृष्णा। हाँ मैया। कहाँ हो कृष्णा? मैं यही हूँ मैया, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो कृष्णा, मन की आंखों से देखो मैया। और ये बड़ा कृष्णा आ गया, कृष्णा थोड़ी है, मैं कृष्णा। ये लड्डू? नहीं लड्डू नहीं है। तू कौन है फिर? ये है मेरा छोटा भाई जो होता है ना, वो बड़ा भाई होता है बलराम। बड़ा भाई होता है? तो आप बड़े भाई? कृष्ण, तो दोनों कृष्ण हो ठीक है, एक भाई कृष्णा घर पे है, तीन तीन कृष्णा है हमारे पास। मेरा बेटू सोनो मुंद्रा अभी ये सोएगा गाइस, दूध पी के ब्रेड खा के चाय पी के छोई छोई करेगा, छोई छोई। भैया को देख रहे हो खेलते हुए? ओए भैया को देख रहे हो? भैया भाई के लिए खेल रहा है, वो कितना अच्छा खेलता है भाई। हाँ उसको खिलाता है साथ में ना। अरे गिर गया भैया, जाओ उठाओ भाइयों को, उठा के हो जाओ। तो पहले गैस को क्लीन कर देते हैं, उसके बाद चीकू रात को सोते हुए दूध लेता है, बेटा उसको दूध भी दे देंगे आज। तो रस्ते से ना अयान के लिए ना दूध का डब्बा लिया था, तो मैं सोचू पाल करी की गोलू उसमें डाल दे क्योंकि क्या है ना सफर में जब भी कैरी करते हैं ना फिर चीजें गिर जाती है, इसमें डाल रही हूँ मैं ताकि वो दूध खराब ना हो और आराम से हम यूज कर सके रस्ते में। तो गाइस हमारा जो लगेज है ना सच में इतना साथ देते हैं ना, हमारा कोई भी ऐसा लगेज नहीं होता जो बच कर रहता है। एक तो टॉमी हिलफिगर का लगेज अपना संभाल के रखा हुआ क्योंकि थोड़ा महंगा है, कहीं हमें शोबाजी करनी हो या हमें एयरपोर्ट पे जाना होता है ना, 40 लगेज हो तो हमने संभाल के रखा हुआ है। तो ऐसे पहले हम भी रफ्तार कम लगेज लेंगे, डेढ़ एक साल हो गया। हाँ ये हमने 3 इकट्ठे लिए थे अपने घर के पास से, अच्छे चल गई। तो अभी हम जा रहे हैं अपना सारा सामान सेट करने क्योंकि सुबह सुबह 5:30 बजे ना भागे भागे रेडी होंगे या फिर भागे भागे बच्चों को रेडी करेंगे, तो हमने सोचा कि अब भी सारा सामान सेट कर देंगे ताकि सुबह सिर्फ नहाएं कपड़े पहने और निकल। टू कोल्ड मैन, इट्स टू कोल्ड। तो पायल ने घर से सारा पीडियाश्योर उठा लाई थी जब भी ट्रिप से वापस घर गई थी, हमने 4 दिन तक ना चीकू को ना बॉर्नविटा वाला दूध दिया था बोल के पीडियाश्योर है, तो मैंने निक्की को बोला, मैंने कहा निक्की पीडियाश्योर है? तो निक्की ना कमरे से चीखती आई, हाँ दीदी बहुत सारा पड़ा है, ताकि चीकू को सुनाई दे। मैंने कहा निक्की मेरे को तो दिख नहीं रहा, कह रही पायल दीदी ने बोले बॉर्नविटा दे दो मिक्स करके कुछ नहीं बता।
तो हम लोगों ने भी बॉर्नविटा दिया, वो बंद पी गया था वो। अभी तो उसको यही नहीं पता पीडियाश्योर क्या है। तो गाइस वैसे भी ना टाइम रात के 1 बज चुके हैं, सोते सोते 1:30 बज जाएंगे और सुबह हमें 5 बजे उठना है। तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि हम जब से आए ना यहाँ पे आज मेरी तीसरी रात है, तीसरी रात में सेम नाइट सूट है, चलो वो तो कोई बात नहीं, और 3 रात नहीं पाए, हम टोटल 10 से 12 घंटे सोए होंगे ना। टोटल बता रही हूँ 10 से 12 घंटे ही सोए, क्योंकि ना बोलना सारे ट्रैवल, पर सच में ट्रैवल करना मुश्किल है बालकनी। तो गाइस अब सो रहे, आप लोगों से मिलते हैं सुबह, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, राधे राधे। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं नहा धो के बिल्कुल रेडी, और दोनों बच्चों को हमने रेडी कर दिया है, सामान सारा पैक हो चुका है, आयान का जो है पानी गर्म कर रहे हैं रास्ते के लिए, तो यहाँ पे बस पानी गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग निकलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं निधिवन का, साथ में हम लोग भी करते हैं और वहाँ की जो जो लीला हमने सुनी है वो देखते हैं और दिखाते हैं। बस यहाँ पे चीकू भी रेडी हो चुका है, आयान तो अभी देखो सोते सोते मैंने रेडी किया, ऐसे सो रहा है। तो बस मैं और अभी भवानी जा रहे हैं सारा लगेज रखने, तब तक गोलू जो है यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, पानी बॉटल में डालेगी, और चीकू भाई चलो खड़े हो, क्रीम लगा दो चीकू के मुंह पे ना। तो गाइस आते ही सबसे पहले मैंने सामान सेट किया है, बेड बनाया है, आयान को सुला दिया है, आयान का सारा बैग इधर है, पूरा क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद अब मैं वापस जा रही हूँ, टाइम हो गया है, टाइम कितना हो गया भाई, 6:00 चलो वो हमें पहुंचना पड़ेगा भाई, भीड़ हो जाएगी फिर, चलो चलो। तो यहाँ पे आयानो भी जो है बस में बैठते ही हो गया है खड़ा, पता नहीं क्या सोच में, क्या सोच में है किष्णु, ये सोच रहे क्या हो रहा है जी, ये हो रहा है कि हम उठ चुके हैं और हम जा रहे हैं निधिवन, फिर उसके बाद जाएंगे वहाँ पे हरिलाल जी, बाल गोपाल जी की, कृष्णा जी की हम लीलाएं दिखाएंगे। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, इसको तो हमने ऐसे नींदों में, ये सोया नहीं था ना पूरी रात से, नहीं सोया मतलब आंखें क्यों क्यों थी, बट उठा अभी आंखें ऐसे है। अयान हमने आज दिखाना एक बार, अयान यहाँ पे आज दिखा दो अपनी, आज दिखा दो कृष्ण, कृष्णा छोटा सा बालक हूँ मैं, मैया क्या आप मुझे सुला सकती हो, मैं अभी नींद में हूँ, आप सुला सकती हो, आप सुलाओगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी मैया, आप दोनों मैया में से कोई मैया सुला सकती है मुझे, मैया किया अपने चरणन में भागे बिहारी लाल मेरा बेटा गोपाल, देख 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 देख, देख स्माइल देख स्माइल, गोपियों के संग के ले राज रचा, खुश हो खुश होता है मेरे गानों से। बोल तो वाइज इसको ना बांसुरी मिली थी वहाँ पे प्रसाद में ना, इसी को मिली थी, इसने बांसुरी छोड़ी नहीं, बांसुरी के वो जो पीछे टटूरा सा लगा हुआ था वो भी खा गया, जैसे चीकू छीने ही रोने लग जाए, हमारा कृष्णा रोने लग जाए, भाई की गोदी में प्यारी प्यारी से रहते। अरे मेरी लाला को ठंड लग गई, टोपी नहीं पहनता लाला, मेरी लाला को टोपी से लगाना पड़ेगा, ठंड हो रहा है भाई, इसको ऐसे कर ले, देखो दोनों लाला मेरे, देख एक छोटा लाला एक बड़ा लाला, मैया कितना ध्यान रखती है भाई, तुम लोग रखोगे मैया का ध्यान, बेटा पुड़पुड़ 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 पुड़ आवाज आई टूटू टूटू टूटू, अयानु पुड़पुड़ 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 पुड़, गैस हो रही है क्या अयानु को, अयानु जब भी बैठते हैं ना कभी कभी करते हैं पुड़पुड़ पुड़पुड़ पुड़पुड़। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बोल राधे 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 राधे। तो गाइस सुबह सुबह चल रहे हैं हम लोग यहाँ वृंदावन की गलियों में, और पहुँच रहे हैं निधिवन, क्योंकि हमने निधिवन के बारे में बहुत लोगों से सुना कि निधिवन में ना बाल गोपाल कृष्ण जी की ना लीलाएं दिखाई देती हैं, कि जब वो रात को लाडू खाते हैं, अपना मंजन करते हैं, अपना भोग लगाते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं वहाँ पे, तो वही सब हम देखने जा रहे हैं, और हमारा ये वाला तो सो रहा है बच्चा, ढका हुआ है पूरा ढका हुआ है, और बहुत ज्यादा ठंड है, साथ में कोहरा है, आगे क्या है क्या नहीं है नहीं दिख रहा था सड़क पे, पर हम लोग ना टाइम से निकल गए थे क्योंकि हमें घर भी पहुंच रहे हैं, घर पहुंचने के बाद हमारा परसों जो है गाना शूट भी, कल है कि परसों है मुझे लग रहा है कल है, कल हमारा गाना शूट है सुबह। अरे ढक्कन लगा चीकू, ये बात कौन कर रहा है, चीकू कर रहा है, ढक्कन लगा ढक्कन, सर का ढक्कन लगा ले भाई, मैंने लगाया ढक्कन ढुकन, एक तो ना इसको सुबह सुबह सॉक्स पहना रही थी, मेरे हाथ में नहीं जोर से लगी, इसको उठाते मैंने इसको सॉक्स पहनाया था, और इसने निकलते ही ना सॉक्स निकाल दी, ऐसा तो लड़का है भैया, बैटरी रिक्शा खाली है, खाली था गोलू ऊपर तो जाना नहीं था, खाली बैटरी रिक्शा को बोल रही भैया बैटरी रिक्शा खाली है, तू तो ऐसे बात करती है जैसे तो हम लोग पहुँच गए निधिवन, और बिल्कुल सामने निधिवन है, बोलो राधा रानी की जय। सिंदूर है, चूड़ी है, अच्छा ये अपना चढ़ाना हो तो ले ले, ले गुरु, ठीक है भैया एक श्रृंगार देना, श्रृंगार लो, लो। श्रृंगार
बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय। अब सुनिए, देखो इस वन का नाम है निधि वन। हाँ जी। जो भगवान आकर के यहाँ रासलीला खेलते। अच्छा। जो रासलीला को यहाँ दुबक छुपक करके सुनता है पागल हो जाता है, गूंगा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। रात को कोई इस वन के अंदर में नहीं रहता है। अच्छा। ये जो झाड़ी दिख रही है ये सब रात में गोप का बन करके यहाँ रास करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से हरिदास स्वामी महाराज ने तपस्या किया है और तपस्या के कारण यहाँ से वृंदावन बिहारी की मूर्ति को प्रकट किया है। जो पहला दर्शन प्रकट स्थान का पड़ेगा। हरिदास स्वामी महाराज ने 12 साल तपस्या के बाद में न कोई कारीगर ने बनाया है न कोई वैसी है, स्वयं जमीन से प्रकट किया अपना भक्ति के कारण। जो मूर्ति जो वो मेन मंदिर में होता है बांके बिहारी के बड़े भाई बलराम जी, वो मूर्ति प्रकट हुआ है। बांके बिहारी भी हरिदास स्वामी की बगल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे दर्शन कराएंगे। एक साइड में राधा रानी है और बीच में एक साइड में वृंदावन बिहारी की मूर्ति काला काला दीवार पे है, दूसरा रंगमय है। इस वक्त कपड़े का श्रृंगार मिलेगा वहाँ पे। शाम को 7:30 बजे फूलों का श्रृंगार लगता है। जब फूलों का श्रृंगार लगता है तो वहाँ लड्डू पान दांतन चंदन सब रखा जाता है। जब सुबह आरती होती है मंगला, लड्डू फूटा हुआ मिलेगा, पान चबा हुआ मिलेगा, दांतन करी हुई मिलेगी, लुटिया में जल नहीं मिलता। भगवान आकर के स्वयं भोग लगाते हैं, वहीं श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार घर है। बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय। अब एक बार हाथ ऊंचा करके ताली दे के हंस लीजिए। यहाँ हंसने का माध्यम है ताली बजा करके तुम्हारा घर बसता है। अच्छा। और वृंदावन में कहते हैं ना रोते हैं वो अपना नैना खोता है, तो यहाँ ताली बजाने का और हंसने का माध्यम है। जितना ताली बजा के हंसेंगे उतना ही आनंद आता है। राधे का ही नाम अनमोल है, राधे राधे बोल के आइए। है ललता कुंड। अच्छा। यहाँ सखियाँ रास कर रही थी और रास करते करते जब प्यास लगी तो भगवान ने ये बांसुरी से खोदा है और ललता सखी को जल पिलाया है यहाँ। अच्छा। बोलो ललता रानी की जय, ताली मार लो थोड़ा। आ जाओ। ये प्रकट स्थान है, यहाँ से प्रकट हुई। अच्छी खुद प्रकट हुई। आओ आगे। ओम भी नृत्य की शिशी लिया स्वामी, ये हरिदास स्वामी महाराज इनने अपनी शक्ति से इनको प्रकट किया है। ये बांके बिहारी हैं, ये राधा रानी हैं। माथा लगाते चले आइए। ये बड़े भैया हैं ना। हाँ हाँ। बोलो वृंदावन बिहारी राधा की जय। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए मुझे और पाल को। प्रसाद के रूप में चूड़ियां मिली और श्रृंगार का सामान मिला, सिंदूर मिला, बिंदी मिली, तो वो मैंने रख दी बैग में। और 6 चूड़ियां मिली तो 4 मैंने पहनी, 2 पाल ने पहनी। पाल अभी चूड़ी दिखाओ। ये जुगल जोड़ी सरकार है, कृष्ण है और राधा है। यहाँ से माथा लगा के आराम से निकलो, माथा लगा के अपना अपना ऐसे निकलते आइए। कृष्णा बाबू आइए। तो यहाँ पे मुझे मेहंदी, सिंदूर और बिंदी मिली है, मैं संभाल के रख दी है, इसे मैं लगाऊंगी। घर बना लिए? हाँ ठीक है बना ले। कितनी मंजिल बनाऊं? पायल 10 मंजिल। बहुत बड़ी टीम है ना, सबको इकट्ठा रखेंगे। एक काम करते हैं, विंग बना देते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हर कुछ कुछ टाइम पर विंग बनाते रहेंगे। ठीक है भैया। सूरज भैया आपका कमरा अलग बनाया, नीचे वाला कौन सी फ्लोर में चाहिए? नीचे वाला कह रहे हैं। पायल जिम जरूर बना दियो। पायल पायल एक लास्ट में चीज कर दे, एक रूफ टॉप के साथ ना सिनेमा थिएटर बना दे, सब मूवी देखे। ये बना दिया जहाँ भगवान ने बोला ज्यादा बना दिया। देखो घर तो बनाना पड़ेगा भाई, निधि वन में घर बना के जाएंगे तो भगवान अपना घर बनाएगा। गाइस हम लोग ना सिर्फ एक मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो प्लीज आप कोई भी बुरा मत माना, क्योंकि हमें पता है कि ना हम लोग हंसते हैं तो आप हंसते हो, तो बस एक छोटा मोटा मजाक करते रहते हैं सबके साथ। तो ऐसा घर हम लोगों ने वैष्णो देवी में बनाया था। रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये राजमंडल है जो भगवान यहाँ रासलीला खेलते हैं। अच्छा अच्छा। ये सिंहासन है। अच्छा। वो सिंहासन है, ये राजमंडल है, यहाँ गोप का नाचती है। अच्छा। तो माता बहना एक बार को गर्भ शर्माएगा, यहाँ नहीं शर्माता है। थोड़ा नाचिए, थोड़ा सा मनोरंजन कीजिए, फोटो बनाइए। राधे 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 राधे।
नहीं इसको भी नचाती साथ में ना, देखियो आंसू आंसू क्यों आ गए। सामने ही बंसी बजा रही है राधा रानी चुरा करके। दर्शन लास्ट दर्शन है हरिदास स्वामी महाराज का। अच्छा। हरिदास स्वामी ने 12 साल तपस्या करने के बाद में यहाँ समाधि लिया है। अच्छा अच्छा। यह समाधि का दर्शन है यहाँ पे प्रभु ने जो वहाँ पे प्रकट स्थान से वृंदावन बिहारी की मूर्ति को प्रकट किया है, फिर उन्होंने यहाँ समाधि लिया है। समाधि का दर्शन है ऊपर लता सकी, नीचे हरिदास स्वामी महाराज का समाधि का दर्शन है। बोला हरिदास स्वामी महाराज की जय। राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूल, और ये उड़ उड़ मस्तक लगे सो पाप हो सब दूर। ये वृंदावन की राधा रानी की राम रज है, अपने अपने माथे से लगाइए पापों को कष्टों को दूर करती है। ये सेवकदारों की समाधि है, ये जो यहाँ के सेवकदार हैं, और यहाँ का जो मूर्ति परिक्रमा दिया था वो मैन मंदिर ले चलूंगा, वहाँ से जब दर्शन होगा मूर्ति का, यहाँ दीवार पर हुआ मैं साक्षात मूर्ति का दर्शन होगा। आएंगे बिहारी। ये है भजन आश्रम, यहाँ पर 2000 माताएं भजन करती हैं। अच्छा। ना इनका माई है न बाप है न बेटी है न बेटा है। अच्छा। ये अनाथ माई लोग यहाँ 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को 8 घंटा भजन करती हैं। हरे रामा हरे कृष्णा का इनका जो भोजन भात खाती हैं तो वृंदावन बिहारी से आता है, जो यहाँ पे मैन मंदिर का दर्शन करोगे निधिवन मूर्ति का। अच्छा अच्छा। पहनने के लिए कपड़ा बीमार आ रही हो जाती हैं तो वहीं से इलाज चलता है। ये माई है 2000 माता भजन आश्रम पूरा है। अच्छा। जो माता भजन करती है यहाँ, यहाँ से 5000 गौशाला में गाय रहता है लंगड़ा लूला, जो दूध नहीं देता है उनका चारा जाता है, जो दूध नहीं देता है तो उनका सेवा वही वृंदावन बिहारी करता है। तो बाबा जी आपको यहाँ पे मिलेंगे ब्रजमोहन गौतम के नाम से, अगर आप चाहते हैं आपको भी हमारे जैसे दर्शन हो तो जरूर बाबा जी को आप मेन गेट में पूछ लेना, इनका नाम ले लेना ब्रजमोहन गौतम, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल मिल जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। तीन बात का ध्यान रखना है। अब एक तो यहाँ खड़े होके दर्शन नहीं करते हैं, जो परछाई पड़ती है अपराध माना जाए, रुपया देली फूल माला फेंक करके नहीं मानना है, जो यहाँ दोष कहरा जाए। ये 4 धाम के माता पिता का घर है, जैसे जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ द्वारका रामेश्वर घूम के आएंगे तो यही पूरा होता है, जो 4 धाम व्रत चौरासी को जाएंगे तो यही से शुरू होता है। यहाँ कालिया नाग को नाथ करके विश्राम किया है, ये जो मेन मंदिर है जिसके नाम से वृंदावन धाम बता हुआ है, ये ब्रज चौरासी को उसमें जो निधिवन पे काला काला मूर्ति दिखाया था ना दीवार पे, उसी मूर्ति का यहाँ दर्शन होगा तुमको प्रेम से यहाँ बैठा करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। यमुना मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरु महाराज की जय। राधे राधे। और सच में नीचे से इतनी हवा आ रही है, ठीक हो ठंड हो रही है, अंदर कर ले मुंह बंद, मुंडा ढक ले, तेरे टोपा लगा ले भाई, ये जो है मुंह मम्मा मेरा नीचे रहूंगा मैं। तो कॉलो की टांगे वही दिख रही थी ना, मैंने कहा चल शॉल से ढक लेती हूं। तूने अपनी टांगों में तूने छुपाई? अरे मेरे टांगों की जगह नहीं है, छोटी जगह, मेरे यहां पे जगह है तेरी। आजो जी आजो, चप्पल तो पहनने दो भाई। तो हम लोग पहुंच गए हैं बाकी बिहारी जी के मंदिर। सच में बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पे बस अभी दर्शन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, लाइन में लगेंगे फिर दर्शन करेंगे। तो
बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा आयान को वहाँ से, स्पेशली माला मिली तो माला हमने संभाल के रखी है। तो पाए प्रसाद दियो, इतना प्रसाद है कोई, मैं सोच रहा आयान को कुछ खिला देती हूँ क्योंकि हम लोग तो टिक्की खा लेंगे, पर ये खाना दे दे माँ। बहुत तेज भूख लगी थी दर्शन के बाद, सोचा कुछ खा लेते हैं, तो हमने खाई है यहाँ पे टिक्की। तो तीनों बच्चों के लिए भगवान जी की लॉकेट, ये ले। मैं खुद डर गई, क्या हो गया, ये तो हंस रहे हैं, मेरे को लगा क्या हो गया। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाद में बताओ उनकी गाड़ी में चलती। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ और सो गई थी मैं 10 बजे, चीकू भी साथ में सो गया था, 10:30 बजे मैं सो गई थी, बस अभी उठी हूँ 10 मिनट पहले और मेरी नींद जो है पूरी हो गई है। तो अभी हम पहुँच गए खाना खाने के लिए, बस यहाँ से 2 से 3 घंटे, अगर हम सूरज भाई की गाड़ी में जाते हैं तो 2 घंटे में पहुंचेंगे और अगर हम वैन में जाते हैं तो 3 घंटे लगेंगे क्योंकि वैन की जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं होती है, तो बस 3 घंटे में पहुंचने वाले हैं घर। दूसरा भी है, इतनी देर से मना कर रही थी, यही होता है जो बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता। ठीक हूँ अब नहीं। चल आज मैं बाथरूम में धुलाऊंगी, चल क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, बहुत देर से मिर्च से खेल रहा था, ये मिर्च है ना इससे खेल रहा है, इसको तोड़ रहा है, इसको मरोड़ रहा है। मैंने बोला बेटा आंख में लग जाएगी मत खेल, बेटा आंख में लग जाएगी मत खेल, तब नहीं माना, बहुत बार मना करा, अब इसको चोट लग गई, पता होता ना बच्चों का की लग जाएगी। हमारे माँ बाप भी ऐसे समझाते थे, हमें लगता था बेवकूफ है पागल है जो समझा रहे हैं, अब समझ आता है कि हाँ अब इसको अगर अब समझ आएगा तब ये बाप बनेगा, बहुत लेट समझ आता है पर आता है। तो अयान ने अपनी टीम के लिए लिया चुपा चुप्स, तो ये चुपा चुप्स अयान तू और जैद खाएंगे मिलके, ठीक है आप मिलके खाओगे, ये लो चुपा चुप गम लिए, बताओ भैया चुपा चुप खाएगा, वहाँ से चुपा चुप लेके आया है। तो यहाँ पे ना जाने से पहले हम पानी गर्म करो, पाल के बोलो अयान का पानी गर्म कर दे, चल नहीं रही यार बाबू, उसको ऊपर तो कर, नीचे तो कर। गाइस शाम के बज चुके हैं 5:30 और तकरीबन 4.25 घंटे में हम पहुंचने वाले हैं घर। टाइम आपको दिखा देती हूँ, टाइम एग्जैक्ट 5:30 हो रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं, चीकू अयान गोलू, और मुझे नींद आई थी बस 10-15 मिनट, अब मैं वापस लाइट बंद करती हूँ और मिलती हूँ आपको घर पहुँच के। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आ गई है, कोई भी फूल लेके नहीं खड़ा है, ये नहीं कि हम लोग आए, इनको कोई खुशी नहीं कि हम वापस आ गए, ये चाहते थे कि हम वही रहे जहाँ गए या फिर वहाँ से आगे वहाँ से आगे वहाँ से आगे, कोई हमारा स्वागत का नहीं है इनको, हमारे घर का आने का कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी कोई बात नहीं, हमें खुशी है अपने बच्चों से मिलने की। इन बेशर्मों के लिए हम इतनी दूर से वृंदावन से प्रसाद लेके आए हैं, सबके मंगवाया हमने, सबके नहीं कुछ और भी है, चीकू के पापा लाए। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने बच्चों के पास और बस आज पूरा रात इनके साथ करेंगे हम इंजॉय। इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना, ये अरमान जी की स्नैपचैट आईडी है, इसे भी जल्दी जाके फॉलो कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स जो है टाइम पे मिलती रहे। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।